सो गाइस बिहार में फिर से एक रिक्वायरमेंट आई है। मैंने बताया था ना कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक रिक्वायरमेंट आता रहेगा गाइस, चाहे वो आपको क्वालिफिकेशन क्यों ना है, चाहे आप कोई सा भी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं, हर वो क्वालिफिकेशन के लिए बिहार गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट निकालेगी जब तक इलेक्शन नहीं होगी गाइस, ठीक है। सो गाइस फिर से भी बिहार में रिक्वायरमेंट आई है, PhD जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट आई है गाइस। मैं बता दूँ ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, JEE का रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट एग्ज़ाम, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा गाइस, ठीक है। सो देखेंगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो नोटिफिकेशन में देखेंगे, मेरी टीम ने मुझे भेजा है, ठीक है। सो गाइस अगर आप लोग अदर बच्चे हैं तो आप लोग जा सकते हैं क्योंकि SC बिल वाले के लिए है, और आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा, न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गाइस, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर जाना गाइस, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि कोई भी जॉब अपडेट हो मैं तुरंत आप लोग के पास लेके आता था, टाइम टू टाइम आगे भी लेकर आऊँगा, इवन इस एग्जाम का भी कुछ और भी नोटिफिकेशन आएगा या कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग के पास टाइम टू टाइम बनी रहूँगा, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर गाइस, मैं बता दूँ 288 वैकेंसी है, 288 वैकेंसी गाइस, जैसे बात गाइस जब कोई वैकेंसी है तो बच्चे को एक थॉट एक डॉट जरूर होता है कि यार इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, सैलरी क्या है, कटअप वगैरह वगैरह, काफ़ी सारा एक बच्चे के मन में एक डॉट जरूर होता है गाइस। सो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम होगा कि कितने बच्चे लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारा जॉब अपडेट लेगा दोस्तों। कैसे मैं बताऊँ तो एप्लीकेशन फीस 0 है, ठीक है ना, और आपका कोई फी वगैरह नहीं है, मतलब आप लोग जितने बच्चे एलिजिबल जरूर फॉर्म भी लेगा, 25/9 से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 15/10 तक फॉर्म भराएगा गाइस, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। सो सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बाद में आप लोग मुझे नहीं कमेंट करेगा सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का आ जाता है तो मैं एक दो को सॉल्व कर सकता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को सॉल्व करने में मैं खुद यार मुझे भी काम सारा होता है, ठीक है। सो देखते हैं ये कुछ है, यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है, चाहे कोई सारे बोर्ड से आप क्यों नहीं किए हैं, ठीक है। सो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, प्लस या ITS इक्विवेलेंट डिग्री भी एलिजिबल है, 18 से 37 साल होना चाहिए, फीमेल के लिए 40 साल है, मतलब फीमेल ज़्यादा इस तक भर सकती है, 18 साल आपको 1/1/2000, मतलब ये कुल मिला के पुराना वैकेंसी है, ठीक है, 1/1/2009, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और जनरल वाले के लिए 85 वैकेंसी है, 288, ये सब डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम पर्याप्त होगा, ठीक, ये सब चीज़ आप भी देख सकते थे क्योंकि उसमें क्लियर क्लियर लिखा है कि ST के लिए कितना वैकेंसी है, ST के लिए। यहाँ पे कुछ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप लोग देख सकते हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत, मगर हाँ एक बात बताओ जिसमें भी इसका जॉब लगेगा ना काफ़ी अच्छा जॉब है, इतना तो मैं बताऊँगा, जॉब ही नहीं बहुत कुछ है, मैं बोल नहीं सकता हूँ उसमें, बस जॉब लगने पर देरी है गाइस, बाकी आप लोग का दिल खुश हो के आप लोग खूब कमाओगे, ठीक है, इतना मैं जानता हूँ। बाकी इसमें आप लोग देख सकते हैं आवेदन वगैरह कुछ खास नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, ठीक है, आप लोगों का नोटिफिकेशन कुछ इस साइट पे खुलेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो गाइस इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, पिछली बार कुछ दिन पहले भी वैकेंसी आई थी, इरीगेशन डिपार्टमेंट काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, क्या हुआ था वहाँ पे काफ़ी सारा लोचा हो गया था, सो इसमें भी आप लोग का टाइम लगेगा, टाइम 6 महीने लगेगा, इतना ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा गाइस, इतना याद रखना, ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है जल्दी करते ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे में आते सर ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, ज्वाइनिंग 6 महीने के बाद भी जा सकता है, पहले तो उम्मीद कम ही है गाइस, ठीक है, फॉर्म भर दो आराम से, आप लोग सो जाओ, सो क्या जाओ इसमें, क्योंकि एग्जाम वगैरह कुछ तो होने का ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं है, ठीक है। सो इसमें है क्या, अब इसमें क्या होगा कि आपका जितना डिग्री जितना आपका परसेंटेज होगा जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उस बहाली पे आप लोग का क्या होगा रिक्वायरमेंट होगा। अब जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे काफ़ी परसेंट लेके आते हैं, खैर मैं अलग वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें बात करूंगा कि इसमें जॉब लग जाने वाला बेसिकली कौन सा काम करवाया जाएगा, ठीक है, एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उस वीडियो में आप लोगों को कुछ और भी अगर आपका डाउट होगा तो उसको मैं अलग से कमेंट में ले लूँगा, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे को होता है, तो करीब 6 महीना लगेगा गाइस इसमें, मैं बता दूँ। और हाँ सैलरी का पूछ रहे हैं सर सैलरी क्या होगा, तो सैलरी देखो गाइस 50+ होगा, ठीक है, ये 1000 है, 35,000 है, तो सो सैलरी का टेंशन 30,000 के अप्रोक्सीमेट में मेंशन नहीं, 30,000 से प्लस ही मिलेगा, प्लस सैलरी का टेंशन नहीं होगा, इसमें सैलरी का आप लोग का अच्छा खासा सैलरी बन जाता है, ठीक है, और कहाँ से बनता है वो चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जॉब है और थोड़ा सा टाइम लगता है यार इसमें ज्वाइनिंग वगैरह होने में बहुत कुछ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या भाई मैं बताऊं कि पिछले बार रिक्वायरमेंट आए थे काफ़ी सारा प्रॉब्लम धांधली हुआ, मैंने कई सारा वीडियो भी इसके मैंने बनाया था, बहुत बच्चे मुझे सपोर्ट भी किया था, मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ गाइस। अब बच्चे के होते हैं कि सर इसका कटअप कितना जा सकता है, देखो गाइस कटअप क्या जा सकता है, तो कटअप मैं इसलिए ये सब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ और ये इसमें फिजूल का लिखा है, जन्मतिथि ये वगैरह ये सब है, ठीक है। बाकी ST SC के लिए आप लोग को वो मिल जाएगा आरक्षण वगैरह, जो कॉमन बात है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें है क्या गाइस कि कटअप की मैं बात करूँ तो कटअप देखो कटअप इतना ही जाएगा कि मतलब कुल मिला के देखो इसका कटअप 90 से भी ज़्यादा जाता है, मैं आपको रियली बात बताऊँ 90 से भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चा है 90% मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चा है बहुत ऐसे जगह से डिग्री करके आते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा परसेंट होते हैं, बट खैर कोई नहीं, जितने बच्चे एलिजिबल अपना काम कर्तव्य जरूर करेंगे, ठीक है।
सो आई होप मुझे लगता है कि मैंने समझा पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं कल या परसों एक वीडियो में और मिलूंगा, उसमें आप लोगों को डिटेल के साथ कुछ और भी बताऊंगा, ठीक है, जॉब लगने में क्या होता है। सो थैंक यू, शेयर जरूर कीजिएगा।